हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो के साथ। और गाइस, आज हम एक और बार खेलने जा रहे हैं ग्रैनी फोर दी रेवलियन को। और गाइस, आपको पता ही होगा कि मैंने इसको पिछली बार भी ट्राई करा था, जो कि हम इसको पार नहीं कर पाए थे। और हमने सोचा था कि इसका एक और पार्ट बनाएंगे, तो चलो हम आ चुके हैं अब इसके एक और पार्ट के साथ। और आज देखते हैं कि क्या हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, या फिर ग्रैनी फिर से हमें परेशान करके घर में ही रख देगी, है ना। तो चलो देखते हैं कि आज के मैच में हम क्या करने वाले हैं, है ना। सॉरी भाई, मैच नहीं आ रही है, मैच यहाँ पे कोई हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है भाई। यहाँ पे हमें एक कुछ टास्क वगैरह को कंप्लीट करना है, जिसकी मदद से हम इस घर से भागेंगे, ठीक है। तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इस घर से कैसे निकलना है, है ना। और इसमें एक नॉसफराटू नाम का एक कोई आदमी है, जो कि बहुत अजीब सा लगता है मुझे, इसकी शक्ल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आपको पसंद हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और मेरा नाम है प्रिंस, और आप देख रहे हो प्रिंस गेमिंग यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट से लोडिंग हो रहा है ना। और यहाँ पर आ चुका है हमारा इंट्रो, और गाइस इंट्रो होने वाला है बहुत ही खतरनाक यार, क्योंकि सामने की साइड मेरे हिसाब से खड़ी है स्लेंड्रिना। और अब हमारा प्लेयर जाके अच्छा काम करने के लिए बाहर उतरेगा, बट कुछ बुरे लोग होते हैं ना गाइस, जो हमें काम करने से रोकते हैं, तो वो पीछे से टांग अड़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलो भाई, और ये सामने की साइड मुझे लगता है ये ग्रैनी का ही घर है, जिस घर में हम जा रहे हैं। तो अपना काम आसान करने पीछे से एक जन आएगा, और ये आ चुका है भाई, जो हमें पता है कि भाई कोई ना कोई तो पीछे से हमारा काम आसान करने आता ही है। और आज हम करेंगे भाई कार स्केप, तो आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। और भाई एक चैलेंज भी मैं लेने वाला हूँ आज, कि हम डे वन के दिन क्या हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर हमें 3-4 दिन लग जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम डे वन के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ मुझे फटाफट से मिल चुकी है चाबी, तो मैं चलता हूँ बाहर की साइड। और भाई मैं खेल रहा हूँ मोबाइल के अंदर, तो इसलिए मुझे भाई इतना रोशनी जैसा मतलब दिख रहा है। बाकी हमें अगर पीसी वगैरह में अगर मैं खेलता तो मुझे टॉर्च वगैरह भी मिलती, है ना। इसलिए आप अगर सोच रहे हो कि भाई इतना उजाला कैसे आ रहा है भाई तुम्हें, तो भाई मैं बता दूँ कि मैं मोबाइल के अंदर प्ले करता हूँ के। तो यहाँ की साइड तो हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, अपन बाहर की साइड चलते हैं। तो भाई यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और अपनी ये ओल्ड की अपने को एक जगह फेंकनी है, जहाँ से इसको अंदर की साइड ग्रैनी खड़ी है। मैं ये चाबी मेरे को पता है कहाँ फेंकनी है, जिससे मुझे ये काम आएगी। तो पहले मैं इसको यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और ग्रैनी मुझे पता है भाई किचन की साइड है, देख सकते हो, वो देखो आ रही ग्रैनी। तुम्हारे भाई को पता है भाई, यहाँ बाथरूम में भी कुछ नहीं है यार। चलो निकल ले। अरे भाई चमकादड़ है क्या भाई तू, हाँ कर रहा, पता नहीं कैसी आवाज़ निकलता है भाई, ये अजीब सा ही जानवर है भाई। और यहाँ ग्रैनी भी हंस रही है भाई, अलग ही ग्रैनी भी अलग ही नशे में भाई। किताब पढ़िए यहाँ पे अपने को भाई, किताब विताब नहीं पढ़नी अभी। ग्रैनी तो नहीं आ रही ना भाई, चलो बढ़िया। अभी इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ रखना ही नहीं है भाई, मतलब यार हद ही हो गई अब तो भाई। 3-4 जगह चेक कर लिया। अरे तू क्यों वहाँ चिल्ला रहा है, वो दादाजी कहाँ गया भाई, ओ दादाजी। ओ यहाँ पे क्या पड़ा है, स्क्रू ड्राइवर पड़ा है, स्क्रू ड्राइवर उठा लेते हैं। और ये स्क्रू ड्राइवर उठा के अपने को सबसे पहले जाना पड़ेगा शायद ऊपर की साइड, जो कि हमें नहीं यार, ऊपर जाने के लिए सबसे पहले मुझे हथौड़ा चाहिए ना यार, जो कि मैं हथौड़े से उसको ऊपर वाला चीज जो है उसको तोड़ूंगा। और यहाँ पर अपने को चाहिए एक लीवर,
हमें जॉनी लीवर को भी ढूंढना पड़ेगा। आई सी यू। अरे हाँ ठीक है, देख लिया, अच्छी बात है। अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और वापस भाई घूमना पड़ेगा इसके चक्कर में मुझे। इसी की तेजी इनकी, तो वापस घूम के आना पड़ेगा मुझे। चलो भाई जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड में चल यार। क्या बोल रहा है, कौन सी बादशाह बोल रहा है? अरे मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसा नहीं करते बेटा। अरे यार गाइस, अपना एक चैलेंज तो टूट चुका है भाई। यार भाई कमेंट करके जरूर बताना कि यार क्या मुझे इसको डे वन के अंदर इसको कंप्लीट करना चाहिए या नहीं। अभी तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई क्या मुझे डे वन के अंदर इसको कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो आज तो मैं इसे कंप्लीट करके जाऊंगा, भले मुझे 3-4 दिन लग जाए, बट हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई सी यू। अरे ठीक है, देख लिया। अरे भैया जी, अभी मैं काम करता हूँ यार, मैं सारा सामान ना एक जगह पटक देता हूँ ताकि क्या मुझे दिक्कत ना होएगी बार बार। आजा आजा आजा, इसको खोलते, नीचे की साइड भी कुछ ना कुछ तो होगा भाई। कुछ है ही नहीं यार कहीं भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ब्रो, ये तो हद हो गई यार। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, डायमंड चाहिए ना? हाँ वो डायमंड जैसा शेप बना है ना, उसमें डायमंड लगाना पड़ेगा अपने को। दादाजी 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 चला गया गाइस। अभी यार मुझे सामान ढूंढना है, सामान मिल ही नहीं रहा कुछ भी ढंग का। ये उठा लिया। ओ चिमगादड़, आजा पकड़। पकड़ तो तू सकता नहीं है, चिल्लाता तो ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या ही कर देगा मेरा। दादाजी भी आ गया भाई, दादाजी भी आ गए, दोनों का स्वागत करेंगे अपन, चिंता नहीं करने का गाइस। तो इस सामने की साइड पड़ा एक डायमंड, जिसको हम बाद में उठाएंगे, पहले हमें एक और चीज करनी है। इधर से लीवर के साइड कुछ पड़ा है, मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा बट कुछ तो पड़ा है। सबसे पहले हमें स्क्रू ड्राइवर को भी नीचे रख के आना पड़ेगा। और ये है स्लेंडरिना का पालना, जिसमें उसका वो जो गुड्डा है अपन उसको रखेंगे तो शायद कुछ होने कुछ तो होएगा ना। और मैं नीचे की साइड, और शायद मेरे हिसाब से लग रहा है यहाँ दादाजी था भाई। इसको यहाँ पटक देते हैं। और नहीं यार मुझे उसकी ज़रूरत है ना, मैं उसको अपने रूम में खोल सकता हूँ। इसको उठा लेता हूँ। अरे ओ नहीं 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 दादाजी, आई सी यू में भर्ती करा दूंगा। अरे यार दिक्कत हो जाएगी यार ऐसे तो। चले जा, पीछे देख देख के जा रहा, देख तो इसको देखो तो गाइस। अरे ठीक है, देख लिया तो क्यों परेशान कर रहा है, आ जा उठा जल्दी निकल सामने से वो ना आ जा। अरे इसकी एसी की तेसी मारू, निकल 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 ले निकल ले निकल ले निकल ले। भाई 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 भाई, 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 भाई बच गया भाई, लेजेंड बोलते भाई, लेजेंड बोलते, लेजेंड बोलते भाई यार। बट मैं यहाँ क्यों आ गया यार, अरे हट भाई मैं गलत जगह आ गया।
को जाना कहाँ था और मैं आ कहाँ गया। मुझे जाना था ऊपर की साइड ही, उधर ही मेरे कमरे जहाँ से मैं निकला था। दादाजी यहाँ ना आ रहा हो, बस नहीं आ रहा। मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। काम करता हूँ, इधर से ही चलता हूँ। अरे यार खुल जा सिम सिम। और यहाँ पर मिल चुकी मुझे वाइंड अप की, जो कि बहुत अरे हट जा रे तेरा सेमड़ी जैसी मुंह है। वाइंड अप की मिल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात। चमगादड़ कहीं के चले जा, मुंह फोड़ दूंगा नहीं तो। भाई साहब वाइंड अप की मिल चुकी है यार, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आ जा चमगादड़ से मुंह के। हाँ हाइड एंड सी खेल रहा हूँ मैं, आजा पकड़ ले इसकी ऐसी की तैसी। बस एक बार मुझे निकल जान दो गाइस, एक बार निकल जान दो, उसके बाद देखना ग्रैनी से कैसा बदला लेता हूँ मैं। मुझे बहुत परेशान किया है इसने, सही में बता रहा हूँ ना गाइस, मैं तुम्हारा भाई प्रिंस बता रहा है ना, कितना परेशान किया इसने मुझे। दिक्कत नहीं लेना गाइस, निकलती रहेंगे। अरे ये कौन से भाई, ये कौन सी बात होती है यार, तो गलत चीज़ है यार। एक इधर से आएगा उधर से आएगा तो बेचारा इंसान क्या करेगा, गद्दारी होती है भाई मेरे साथ, धोखाधड़ी हो रही है। तो ठीक है भाई, घर कितना बड़ा है यार इसका। अरे भाई क्या है यार ये, एक उधर से पीछा कर रहा है एक इधर से पीछा कर रहा है, भाई कहाँ जाऊं मैं, पूरा घर घुमाओगे क्या। अभी मुझे ऊपर के साइड जाना है, अभी वो चमगादड़ खड़ा होगा। पता था भाई मुझे पता था वो चमगादड़ ऊपर ही खड़ा होगा। सीधी तेजी मारू साला चमगादड़ कहीं का, तू आज बचेगा नहीं मेरे हाथों से, तू नहीं बचेगा। वाइंड अप की मेरे हाथ लग चुकी है और अब तेरा खेल खत्म हो चुकेगा। इसको मुझे खोल लें दो, इसको उठा लेता हूँ। और अभी इसमें गन है ना, इसकी एसी की तेजी मारू, आ जा, नहीं तू अब आ ही जा, दिखाता हूँ कैसे खेलते। निकल, उड़ गया भाई वो तो, एक दो मिनट के लिए शांत बैठ जाएगा। हाँ यार भाई सर पे चढ़ जाते हैं यार ये लोग, और अपने को यहाँ पे थोड़ा शूट करके इसको हटाना है। एक और गोली मारनी पड़ेगी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। अपने को यहाँ पे अनलिमिटेड एमओ प्रोवाइड की गई है, तो गाइस टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई अनलिमिटेड गन लेके चलता है। इसको हटाना है थोड़ा सा साइड में, हट जा। अरे यार अभी इसको और साइड में कैसे करूं, शायद थोड़ा थोड़ा हो रहा है। खसका क्या, थोड़ा और खसकाना भाई। यार इसमें कितनी एमओ वेस्ट हो रही है बे, हट यार। और खसका क्या, थोड़ा और खिसकाना है। ये ले, और ये अपने को मिल चुकी है यहाँ पर पैडलॉक की। और गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है, बस मुझे अब चाहिए एक वो क्या बोलते हैं यार उसको, कटर, वो क्या बोलते हैं यार, रस्सी कटर चाहिए है ना, रस्सी सीजर चाहिए है ना,
वो अगर मिल गया तो पूरा काम हो जाएगा अपना। अरे ये आतंकवादी फिर आ गया, इसको मजा चखाता हूँ। अगर मुझे बेसमेंट से स्केप करना है तो मुझे उस आई होप मुझे लगता है कि यार बेसमेंट स्केप करना चाहिए यार गाइस, कि क्या मुझे बेसमेंट से स्केप करना चाहिए। मैं तो मुझे लग रहा है यार कि बेसमेंट से स्केप कर लेता हूँ यार, क्योंकि कार स्केप में मेरे पास अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए बेसमेंट से स्केप। ओके बेसमेंट से स्केप करने के लिए नहीं यार, अभी एक पार्ट और चाहिए तो होगा ना, और अपन अभी कार स्केप कर सकते हैं। बेसमेंट स्केप के लिए अपने को एक आइटम और चाहिए जो कि मेरे पास अभी नहीं है, उसके लिए मुझे ऊपर साइड दौड़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यार कार स्केप हो जाएगा ना, हाँ कार स्केप हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, बेसमेंट स्केप नहीं कार स्केप हो जाएगा, क्योंकि कार स्केप में अपने को बस अब एक चीज़ और चाहिए, वो है कार की, और हमारा कार हो जाएगा कार से। और अपने को रस्टी सीजर चाहिए, तो वो मुझे पता है वो ऊपर की साइड ही है हैमर, जहाँ से अपन उसको तोड़ेंगे तो वो वहीं मिल जाएगा अपने को। और इसके लिए अपने को अभी ये भी चाहिए, देखो ये डोर इज लॉक्ड, तो इसके लिए अपने को वो चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है ये बेसमेंट की अपने पास अभी है ही नहीं ना, अपने पास है पैडलॉक की, तो अपन इससे अभी नहीं भाग पाएंगे, तो कार से अपन भाग सकते। तो फटाफट से अब कार का सामान इकट्ठा करके और निकलते हैं कार से ही, जगह रख देता हूँ तो ऐसे में क्या दिक्कत नहीं होगी ना। इसको रख देते हैं यहाँ पर। ओके तो ये दो चीज़ें हो चुकी है, और तीसरी चीज़ अपने जो पैडलॉक की थी उसको भी उठा लेते हैं। तो यहाँ से पहले हैमर उठा लेता हूँ, हैमर को नीचे लेके चलेंगे अपन, है ना। अरे इस आतंकवादी की ऐसी की तैसी, बंदूक लानी पड़ेगी यार लगता है वापस। एक बार मेरे को ना वो रूम खोल लूँ ना मैं, कम से कम थोड़ा काम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले ना मैं एक बार वो रूम खोल लेता हूँ तो थोड़ा काम हो जाएगा ना। नीचे चलते हैं और वो वाला रूम खोल देता हूँ, तो उसमें से एक गन मिल जाएगी अपने को। वो गन का नाम क्या है, कॉस्मिक गन, हाँ कॉस्मिक गन मिल जाएगी, तो कॉस्मिक गन से मेरा काम हो जाएगा। पीछे देख पीछे, बच गया बच गया। फटाफट कॉस्मिक गन लेके आता हूँ, कॉस्मिक गन, ये रही हमारी कॉस्मिक गन। और अब देखो इसका मज़ा, देखो अब इसका क्या हाल होगा देखना। उनको बुलाने दो बस अभी, इधर एक ही बार में दो से तीन बंदे खत्म हो जाएंगे। आ जा, अब तू गया। देखो देखो गाइस इसका मैं आपको जादू दिखाता हूँ, है ना, देखो इससे कितना खतरनाक तरीके से ये उड़ेंगे। ये यहाँ खड़े हो जाता हूँ मैं, है ना, और फायर। ये देखो गाइस ग्रैंडफा गॉन, 2 मिनट्स के लिए गॉन हो चुका है। और अब देखो इस छछू को बताते हैं, रुक तू भी आ, तेरी भी आज आरती उतार ही देता हूँ, आ जा, तू भी गया, आ जल्दी आ भाई, मेरा टाइम भी बीता जा रहा है, जल्दी आ तू बस स्पीड में। उसके बाद ग्रैनी का भी नंबर है, ये ले निकल भाई। ये जगह छोटी थी नहीं तो ये बहुत खतरनाक तरीके से उड़ता। और अभी ग्रैनी की बारी है, तो ग्रैनी भी हमको मिल जाएगी रास्ते में, तो ग्रैनी को भी पलटाएंगे। अभी इस गन को हम रख देते हैं एक जगह पर, ये इसको पटक देता हूँ मैं यहाँ पर। और अभी मुझे ज़रूरत है हैमर की, तो मैं हैमर उठा के निकल लेता हूँ फटाफट से बाहर की साइड में, क्योंकि मुझे लाना है बाहर से वो क्या बोलते हैं उसको, अपने को ऊपर साइड जाना है। हट यार, खोल लेते हैं, खुल जा खुल जा, तीनों खुल गए, ऊपर चढ़ जाते। और ये रहा अपना रस्सी सीजर,
जो कि मैं बोल ही रहा था कि यहाँ अपनों को ऊपर मिल ही जाएगा वो। तो यहाँ से उठा लेता हूँ रस्सी सीजर, और अपने को यहाँ से ही कार वो जो ऑप्शन है उसको काटना पड़ेगा। अरे यार मैं भूल गया यार, रस्सी सीजर काम में तो यहाँ पे आएगा, बट अपने को सबसे पहले हैमर की ज़रूरत ही पड़ेगी ना, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए तो हैमर ही चाहिए। रस्सी सीजर को यहाँ पटको, हैमर को उठाने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा यार। शिट, मैं भूल गया था, अभी मेरे को फिर से नीचे जाना है। ये टूट गया नीचे, और अभी मैं गन रखता हूँ हाथ में, क्योंकि ये हो चुके हैं वापस से जिंदा, तो मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आसपास तो कोई नहीं दिख रहा, सामने की साइड हमें दिख चुके हैं दादाजी। ओए भाई, इस लैंडरीना को कुछ असर नहीं होता क्या इसका? भाई गजब है ये ले। और गाइस, अगर अपन थोड़ा सा भी पास में अगर हम उसको जाके मारते तो ये असर अपने ऊपर भी हो सकता था, इसलिए गाइस अभी भी इसको, इस गन को आप अगर खेल मतलब इस गेम को अगर आप खेलते हो और इस गन को ट्राई करते हो ना, तो भाई थोड़ा दूर से ही ट्राई करना, क्योंकि इससे आपके अभी डे खराब हो सकता है ना, तो इसलिए आप थोड़ा दूर से मतलब आपका दिन का डे नहीं, मतलब आपके समय का डे नहीं, ये गेम का डे खराब हो सकता है, आपकी जिंदगी का डे खराब नहीं होगा। चलो भाई, और अब हम इस गन को पहले नीचे पटक देता हूँ, क्योंकि क्या काम आएगी ना ये भी, तो मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ, है ना। और इसको भी उठा लेते हैं और इसको लेके अपन चलते हैं नीचे। और अभी मुझे करना है, कहाँ से चिल्ला रहा है, पीछे से मारेगा, रुक, इसकी मेरे को कंप्लेन करनी पड़ेगी, अब भी मरम्मत करनी पड़ेगी लगता है। अब नीचे वाला आ जा, तेरी मरम्मत करता हूँ, रुक, इसको पटक दो यहाँ पे, आ जा, पूरा घुमाना पड़ेगा बट इसको, हाथ में अब गया ये, काले नीले, आ जा जल्दी है फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतनी जल्दी जल्दी आ गया और ये इतना धीरे धीरे आ रहा है, वाह, कहीं का महाराजा है ये। ले बहुत बढ़िया, तेरे साथ यही होना चाहिए। चलो भाई, अब फटाफट सबसे पहले मुझे करना है इस रस्सी सीधर से इसको काट लेते हैं, ताकि अपना ये चीज नीचे गिर जाए। कट जा, ये कट गई, तो अपनी गाड़ी जा चुकी है नीचे की साइड, और अपने को वो लीवर से उसको भी खसकाना पड़ेगा, ताकि मैं वो वाले रूम में जा सकूं। और अभी फटाफट से मुझे एक का और काम करना है, जो कि एक जगह से रस्सी काटूंगा तो शायद वो भी उससे भी कुछ अपने को मिलेगा ना यार, तो अपन को यहाँ पे रस्सी काटना है, ये रस्सी को हम काट लेते हैं भाई, थोड़ा पीछे होके काटना पड़ेगा, ये कट गई, ओके। और अभी अपने को करना क्या है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, फटाफट से स्क्रू ड्राइवर उठाते हैं। स्क्रू ड्राइवर यार मैंने फेंका कहाँ था, अच्छा हाँ याद आया मुझे, मेरे रूम में वो स्क्रू ड्राइवर याद आया, तो स्क्रू ड्राइवर उठाते हैं। वो इधर ही साइड में खड़ी थी क्या, स्क्रू ड्राइवर भी उठा लेते हैं। एक जगह और अपन ने साले स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करा है ना, वो जो अपन नीचे वाला रूम खोल के आए थे वहां पे अपन ने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करा नहीं है, तो कोई बात नहीं गाइस, हम कार इसके पास करके ही जाएंगे। और इसके अंदर मैंने चेक नहीं करा ना, इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे को लग ही रहा था। अभी चमगादड़ भी पता नहीं कितना टाइम लगाएगा आने में, आ जा आ जा आ जा, इनको ना एक आध घंटे के लिए अच्छा सुला देना चाहिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा अपना।
नहीं, इनके चक्कर में ना अपन काम नहीं कर पाते, अपना डिस्टर्ब करने आ जाते बीच बीच में। चलो भाई फटाफट से अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा। खुल जा। और अपने को मिल चुकी है कार की, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अपने पास हो चुके हैं सारा सामान, तो अपने को अब बिना देर करे मुझे निकलना चाहिए। इसको उठा लेते हैं और अभी चलता हूँ मैं फटाफट से नीचे की साइड, है ना। पैडलॉक की उठा के चलते हैं नीचे की साइड। सब सामान एक जगह रख लेता हूँ कार का, और अभी मुझे हैंडल भी चाहिए। वो हैंडल नहीं यार, वो लीवर भी चाहिए ना, तभी तो वो वहाँ का रूम खुलेगा और मैं वो हथौड़े से उसको तोड़ सकता हूँ। यार अब वो लीवर कहाँ मिलेगा गाइस। अरे हाँ याद आया भाई, याद आया, वो मुझे फिर से वो लेके आना पड़ेगा। मुझे याद आ गया। अरे यार इसके चक्कर में एक तो और दिमाग खराब होता है। स्क्रू ड्राइवर को उठा लेता हूँ और इसको अपने को लेके चलना है नीचे की साइड। नीचे की साइड से मुझे उसको उठा के स्क्रू खोलूँगा। वो नीचे जो अपन ने डायमंड वाला ऑप्शन खोला था वहाँ से अपने को सामान मिल जाएगा। वो चीज़ हो सकती है, चांस है कि भाई इसके अंदर हो जाए। ओ भाई मिल गया है। चलो भाई अब अपना एस्केप पक्का है कार से, तो अभी इसको फटाफट से वहाँ लगाते हैं और चलते हैं हम अपनी फरारी वाली कार में, फरारी की सवारी से। अब कोई बीच में डिस्टर्ब करने ना आए बस। अरे तुझे तो बुलाया ही नहीं मैंने भाई, मैं तो ग्रेनी की बात कर रहा था। बीच में आई ये आ गया चमगादड़ पीछे से। हाँ इधर दो चीज़ पड़ी है, अभी इस लीवर को पहले लगा के आता हूँ मैं, चीज़ पूरी रहेगी। और देख सकते हो यहाँ का मेरा ये खुल चुका एरिया, और अब हम ऊपर से फटाफट से शॉर्टकट लेके चलते हैं। चल जल्दी भाई, जल्दी जल्दी चढ़ जा ऊपर। और ये पहुँच गए हम ऊपर, और अब फटाफट से काम हमारा हो जाएगा, बस थोड़ा सा बचा है। हमें उठानी है वो बैटरी, नहीं सबसे पहले मुझे हैमर उठाना है ना। हैमर कहाँ गया, हैमर पड़ा है इधर। हैमर उठाते हैं और हैमर से अपने को यहाँ पर खोलना है। देख सकते हो कि ये बेसमेंट का जो सामान पड़ा है हमारे पास, उससे अपन बेसमेंट से स्केप कर सकते हैं। और ये चुका है, और देख सकते हो यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। अभी तो मैं अटक गया लगता है, अटक गया भाई मैं, नीचे ही कूदना पड़ेगा यार, हट। चलो कोई बात नहीं, अभी अपने को लेना है बैटरी और पैडलॉक की। तो बैटरी सबसे पहले लेके आते हैं, बैटरी नीचे ही पड़ी है ना। भाई यही सही बता रहा हूँ यार, इसके दो हाथ होते ना अभी तक पार कर दिया होता, क्योंकि भाई दो हाथ होते ना तो एक हाथ में बैटरी हो जाती, एक हाथ में पैडलॉक की। पर नहीं, इनको तो एक ही काम एक ही हाथ से करना है। अब मुझे कितना घूमना भी पड़ता है यार, इस बैटरी को वहाँ जाके लगाना पड़ेगा। ये पहुँच गया मैं, और इधर से ऐसा जाना पड़ेगा, सीधा जाके यहाँ पे अपन को इस बैटरी को लगाना है। ये फूट गया मैं, और यहाँ पे इस बैटरी को लगा देते हैं। ये लग गई बैटरी, और अब चाहिए बस पैडलॉक की और एक कार की। जल्दी खुल जा। अरे यार कहाँ से आ गया ये,
हट भाई यार, पूरा प्लान खराब कर देते हैं यार ये। आके आके जा यार। अरे तेरी भाई ये क्या है? ओ भाई ये बेड के नीचे भी झांकता है भाई। अरे यार भाई अब मेरा चौथा दिन आ चुका है और इस दिन में आज तो मैं पार करे बिना जाने नहीं वाला, आप नहीं देंगे। इसलिए मुझे इसको शांत करने के लिए एक बार तो मुझे इनको बंदूक से उड़ाना ही पड़ेगा। अभी मुझे ऊपर जाना है ना। कितना घूमना पड़ रहा है यार बताओ, जरा सी चीज के लिए इतना घूम के जाना पड़ता है। अभी देखना वो इधर ही खड़ा होगा, वो भी अलग डिस्टर्ब कर देगा। वो अंदर ही होगा। मैं बोल रहा था ना, आ जा। ये बच गया, इससे निकल गया। अभी एक बार और आना है बस, जो कि कार के लेने आना पड़ेगा वापस। ये मैं आ गया नीचे है ना, और पैडलॉक की लगाते हैं फटाक से। और एक लास्ट चीज लेके आनी है बस कार की, उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये लगा दिया और अब एक लास्ट चीज बची है, वो फटाक से लेके आते चलते हैं। ये इधर से निकल गया, कार के ऊपर से लेके आता हूँ। और गाइस हम फाइनली अब भागने वाले हैं इस ग्रैनी के भूतिया घर से। आजा आजा, लास्ट बार तेरा भी शक्ल देख ही लूं, क्या पता फिर कब देखने मिलेगी। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इसका बेसमेंट से स्केप करूं, तो भाई मुझे कमेंट कर देना कि बेसमेंट स्केप भी हमें चाहिए, तो मैं इसका बेसमेंट स्केप भी लाऊंगा, ठीक है ना? तो कमेंट कर देना। और मैंने कार की कहाँ फेंकी थी? बाय द वे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक नहीं यार बट लाइक कर देना। अरे यार जल्दी दो रे, कार की दे भाई जल्दी दे, वो आ गया। चलो चलो अब हो गया काम अपना, और अब अपन चलो निकल लेते हैं इस भूतिया हवेली से फाइनली भाई। इसमें बट यार मेरे को एक बात समझ नहीं, इसमें पेट्रोल वगैरह की अपने को जरूरत नहीं पड़ी यार। जो मतलब अपन ने ग्रैनी वन में भी पेट्रोल भरा था, ग्रैनी टू में भी शायद पेट्रोल भरा था, वो ग्रैनी थ्री में भी शायद मेरे हिसाब से पेट्रोल भरा था, ताकि इसमें अपने को पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ी भाई। और ये हम भाग चुके हैं भाई साहब ग्रैनी के घर से। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बाय द वे आपको अगर बेसमेंट स्केप चाहिए तो मुझे बेसमेंट स्केप के लिए कमेंट कर दो कि हमें बेसमेंट स्केप भी चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।